आगरा के एतमादपुर में भाजपा मंडल अध्यक्ष विश्वदीप सिंह के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा की शुरुआत एतमादपुर के नगर पालिका कार्यालय से हुई। एतमादपुर डॉक्टर विधायक धर्मपाल सिंह ने अपने हाथ में तिरंगा लेकर भारत माता की जय बोलकर तिरंगा यात्रा की बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। रैली को आगे बढ़ाते हुए एतमादपुर मेन मार्केट में होते हुए बाइक रैली मितावली के लिए रवाना हुई। इस रैली में जोश से लबालब भरे हुए सैकड़ों युवाओं ने हाथों में तिरंगा लिए, दिलों में मां भारती के लिए सम्मान और मुंह से भारत माता की जय और तिरंगे झंडे की जयकारे गूंजते हुए दिखाई दिए। ऐसी रैलियों से उन नेताओं को भी सोचने समझने की जरूरत है जो रहते यहाँ हैं और बजाते किसी और देश की हैं। इस रैली से उन नेताओं और नागरिकों को भी सीखना चाहिए जो देश में बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को देश से प्यार नहीं बल्कि कुछ भी कहकर बोलकर या नागरिकों को संविधान खत्म करने पर डराकर धमकाकर राजनीति चमकाना चाहते हैं। आज यह हुआ था, आज पार्टी नेतृत्व के दिशा निर्देशानुसार हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत विशाल तिरंगा बाइक रैली का आयोजन मंडल एतमादपुर नगर में किया गया। सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से नगर पालिका परिसर पर इस रैली को माननीय विधायक डॉक्टर धर्मपाल जी द्वारा झंडी दिखाकर रवाना किया गया और एतमादपुर के मुख्य मार्केट से होते हुए बरहन तिराहे से होते हुए मितावली जाके यह यात्रा सकुशल संपन्न हो चुकी है। सभी कार्यकर्ता बंधुओं के इसमें अच्छी उपस्थिति के साथ सकुशल संपन्न हो चुकी है। इस यात्रा का क्या उद्देश्य था, जो निकाली यात्रा क्या उद्देश्य था उसका? इस यात्रा का उद्देश्य था कि हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा पार्टी की नीति है। हर घर तिरंगा, घर तिरंगा के हर घर पर लगाया तिरंगा देशभक्ति के लिए। जी, भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस सप्ताह में पूरे सप्ताह ये हर मंडल में कार्यक्रम चलेगा। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा 2027 के लिए, 2027 जीतना है। ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है नगर पालिका से लेके मेन मार्केट होते हुए और बरन रोड पर होते हुए मितावली तक हम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली है। बहुत संख्या के साथ पूरी हकाय युवा मोर्चा के पूरी हकाय लोग, मंडल अध्यक्ष हकाय, जिले की टीम के लोग लगे हुए हैं तिरंगा यात्रा को भव्य बनाने का काम किया।